डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए जिसको हम डिस्कस करते हैं। सो इसको हम कॉनकेव मिरर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इस मिरर के देखो पीछे की साइड पे पोजीशन, मतलब ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए सेम रहेंगे। सो आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अगर ये मिरर हम इसको स्फीयर माने, क्योंकि ये मिरर स्फीयर से ही डेराइव किया गया है, तो जो ये पॉइंट सी है ये इस सर्कल का क्या होता है, सेंटर। इसलिए इस पॉइंट सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड एफ पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस, एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। अब जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है इसको बोलते हैं अपर्चर। ये इस स्फीयर का डायमीटर नहीं है, ये इस रिफ्लेक्टिंग मिरर का डायमीटर है जिसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर इज अ डिफरेंट थिंग। अब जो इमेज मिरर के आगे बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे की साइड पे बनेगी। एंड जो डिस्टेंस, अब अगेन ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, और इस पॉइंट से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इससे यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू आर बाय टू, मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको केयरफुली देखना। इससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास केस वन, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सपोज हमारे पास ये कोई कॉनकेव मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, अगर कोई लाइट रेज के पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो कॉनकेव मिरर ने तो लाइट रे को कन्वर्स कर दिया, क्या करेगा, डाइवर्स, मतलब लाइट रे ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जो लाइट रे ऊपर जा रही है वो इस तरीके से ऊपर जाएगी, अगर उसको हम एक्सटेंड करें तो वो एक्सटेंडेड लाइन फोकस से पास होनी चाहिए। केस टू, केस टू में अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो फोकस से पास होकर मिरर से टकराने के बाद वो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अगर कोई लाइट रे इस तरीके से मिरर के ऊपर फॉल करती है कि वो फोकस से पास हो जाए एक्सटेंड करने के बाद, लेकिन एक्चुअल में लाइट यहां से पास नहीं होगी, यहां से रिफ्लेक्शन करने के बाद लाइट रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। केस थ्री के अंदर अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो लाइट रे जहां से आई है वहीं पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब 180 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, लाइट रे वापस जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। नाउ केस फोर, अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जिस एंगल पे वो पोल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, एंड हमारा केस फर्स्ट है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है। सो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। सो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये क्या है, पोल। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, इन्फिनिटी मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो सकता है, एंड उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इनफाइनाइट साइज है। सो लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो लाइट रेज पैरेलल आती है, ये दोनों लाइट रे पैरेलल आई, और आपको पता है जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होती है, फोकस से। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर मीट करती है उसी पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है। तो इस केस में लाइट रे कहां पे मीट कर रही है, फोकस पर, तो हमारा इमेज भी कहां बनेगी, फोकस पर। अब हम कुछ इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी होती है। पेपर में अगर आपसे कोई डायग्राम पूछेगा तो आपको डायग्राम के साथ साथ इमेज की प्रॉपर्टीज, उसकी पोजीशन एंड उसका नेचर भी बताना होगा। तो हम सबसे पहले पोजीशन पोजीशन बताएंगे इमेज की। इमेज आप क्लियरली देख सकते हो, जहां पे लाइट रेज मीट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो लाइट रेज कहां मीट कर रही है, फोकस पे। सो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, एट फोकस। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर में आपको बताना होता है इमेज है वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जो इमेज मिरर के आगे की साइड बनती है उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। सो ये इमेज मिरर के आगे की साइड पे, या फिर हम कह सकते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज बन रही है, मतलब ये कैसी इमेज है, रियल। और जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। सो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज की बात करें तो देखो ये बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, पॉइंट साइज, या फिर हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। केस टू में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर, मतलब सेंटर के पीछे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर के पीछे। तो जो फर्स्ट रे जाएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आपको पता है टकराने के बाद कहां से पास होती है, रे फोकस से। सेकंड रे हमारी पास होगी सेंटर से, तो
सेंटर से जो रे आती है आपको पता है जिस पाथ से आई है वहीं पे 180 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। अब जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया जहां पे लाइट रेज मीट करती है वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, तो लाइट रेज यहाँ पे मीट कर रही है मतलब इमेज हमारा यहीं पे बनेगा, तो इसको हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी इमेज मिल जाएगी हमें। अब अगेन हमें इमेज की प्रॉपर्टीज साइज पोजीशन के बारे में बताना होगा, तो सबसे पहले हम पोजीशन बताएंगे, पोजीशन कहाँ पे है, देखो ये सेंटर और ये फोकस, इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में, सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेकंड, नेचर, अगेन इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के आगे की तरफ बन रही है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के सेम ऑब्जेक्ट वाली साइड में बन रही है, तो नेचर क्या होगा इसका, रियल, और जो इमेज आप क्लियरली देख सकते हैं उल्टी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज मतलब इनवर्टेड। सो अगर आपको समझना है कि इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, तो अगर कोई इमेज उल्टी बन रही है इनवर्टेड है तो वो रियल भी होगी, और अगर कोई इमेज रियल है तो वो इनवर्टेड होगी। सो यहाँ पे इनवर्टेड इमेज है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट, इसका साइज आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो साइज क्या रहेगा इसका, डिमिनिश्ड, आप स्मॉल साइज भी लिख सकते हो, स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट। केस थ्री में हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, तो डायग्राम बना लेते हैं, सेंटर पॉइंट ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट रे आपको पता है कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होकर रे कहां से पास होगी, फोकस से। अब सेकंड रे हम सेंटर से ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर के ऊपर ही रखा हुआ है, सो सेकंड रे अब की बात जाएगी फोकस से, और हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे लाइट रेज मीट करती है वहीं पे हमारी इमेज बनेगी, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे, यही हमारी इमेज हो जाएगी। अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं, पोजीशन क्लियरली आप देख सकते हो इमेज कहां बन रहा है, सेंटर के ऊपर, सो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, एट सेंटर। नेचर, अगेन इमेज मिरर के आगे बन रही है, मिरर के आगे जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं रियल, और जो रियल है वो इन्वर्टेड भी होगा, सो इमेज क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज है, सो इसका साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज। नेक्स्ट डायग्राम केस फोर, अब की बार ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ये सेंटर ये फोकस, हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट रे अगेन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर से टकराने के बाद रे कहां से पास होगी, फोकस से, फोकस से जब रे पास हो गई, सेकेंड रे हमारी जाती है सेंटर से, तो सेंटर से इसको हम ज्वाइन करेंगे, सेंटर से लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करके वापस, जो लाइट रे सेंटर से जाती है उसी पाथ से वापस 180 डिग्रीज पे, सो ये लाइट रे यहीं से वापस आ जाएगी, और जहां पे लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी इमेज है। अब हमें इमेज के तीन पॉइंट लिखने हैं, सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन आप क्लियरली देख सकते हो सेंटर के पीछे है, सेंटर के पीछे मतलब पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड सेंटर, एंड नेचर अगेन आप देख सकते हो इमेज है वो मिरर के आगे की साइड पे बन रहा है, और जो मिरर के आगे इमेज बनती है वो होती है रियल, और इमेज है वो उल्टा है, एरो नीचे की साइड में झुका हुआ है, सो ये इमेज कैसी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज आप क्लियरली देख सकते हो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, सो साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम केस फाइव, अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस कर रखा है, एट फोकस, डायग्राम बना लिया, ये पॉइंट फोकस, इस पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है तो फर्स्ट रे अगेन जैसे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होती है, सेकंड रे जाएगी सेंटर से, सेंटर से इस पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे मिरर तक, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो रे सेंटर से जाती है वहीं से वापिस 180 डिग्रीज पे। अब आप बताओ ये लाइट रे क्या इधर कभी मिलेंगी, क्योंकि लाइट रे पैरेलल है दोनों, और पैरेलल रेज कभी भी मीट नहीं करती, अगर इनको हम पीछे एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन, मिरर के पीछे अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट करोगे, क्योंकि लाइट रे मिरर से पास नहीं होती, ये हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, सो ये लाइट इधर कभी भी मीट नहीं करेंगी, ना ही ये लाइट रे इधर मीट कर रही है, सो जैसा हमने फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो रेज पैरेलल आ रही है, इस बार रेज पैरेलल जा रही है तो इमेज हमारी कहां हो जाएगी, एट इन्फिनिटी। सेकेंड, नेचर, हमारा नेचर देखो इमेज किस साइड पे है, मतलब अगर इमेज इन्फिनिटी में बनेगा तो मिरर के आगे बनेगा, और जो मिरर के आगे बनती है वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। साइज हमने जब केस फर्स्ट अगेन जब किया था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो साइज क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड। कॉनकेव मिरर के लिए लास्ट एंड सिक्स्थ डायग्राम है, और हमारा केस सिक्स है, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया है, बिटवीन पोल एंड फोकस, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखा हुआ है ऐसे, तो फर्स्ट रे आप फोकस से पास कराते हो, इसमें आप क्या करो फर्स्ट रे को पोल से स्ट्राइक कराओ, और जो लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करती है जिस एंगल से आई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सेकेंड रे कहां से पास होती है, सेंटर से, सेंटर से लाइन ड्रॉ करो, जैसे लाइन आई है उसी पाथ पे वापिस चली जाएगी, क्या इधर ये लाइट रे मीट करेंगी, नहीं, ये और ज्यादा वाइड होते जा रही है, सो इसको पीछे एक्सटेंड करके देखते क्या पता लाइट रे पीछे मिल जाए, तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड करेंगे, देखो लाइट रे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब इमेज हमारा यहाँ बनेगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन कर, तो ये हमारी इमेज आ गई।
अब इस इमेज के भी पॉइंट लिखने होंगे हमें। सो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन आप क्लियरली देख सकते हो इमेज है वो मिरर के पीछे की साइड बन रही है, मतलब इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर। सेकंड नेचर, जब हमने स्टार्ट किया था जो तो बताया था जो मिरर के आगे इमेज बनेगी वो होगी रियल, और जो मिरर के पीछे बनेगी उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट भी होगी। आप क्लियरली देख सकते हो इमेज सीधा बन रहा है तो क्या होगा, इरेक्ट। तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है और इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, एन लार्ज्ड। सो अब हमारे कॉनकेव मिरर के छह डायग्राम खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो केस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है आपका जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। हम पहले देख चुके हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रेज कैसे आएगी, पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट रे पैरेलल आती है वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो कहां से पास होगी, फोकस से। इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे तो कहां से पास होगी, फोकस से। और जहां पे ये लाइट रे मीट करती है वहीं पे बनेगा इमेज। लाइट रे मीट कहां कर रही है, फोकस पे। सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस एंड। आप क्लियरली देख सकते हो इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट साइज अगेन आप देख सकते हो एक पॉइंट के जैसी इमेज बन रही है तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, या फिर हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर के लिए केस टू, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी बहुत दूर कहीं भी हो सकता है, तो आप कहीं भी यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कहीं इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। उसके लिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज होगी किस तरीके से, अगर इसको एक्सटेंड करें तो फोकस से पास हो जाए। सेकंड रे किस तरीके से आएगी कि वो सेंटर से पास हो, मिरर से लाइट रे पास होती नहीं है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हम डिनोट करेंगे। और जहां पे लाइट रेज मीट करती है वहीं पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दो। क्लियरली आप पोजिशन ऑफ इमेज देख सकते हो पोल और फोकस के बीच में, तो पोजिशन क्या हो जाएगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है, जो इमेज मिरर के पीछे बनता है वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज इसका आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज छोटा सा बन रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। सो कॉन्वेक्स मिरर के भी हमने दोनों डायग्राम देख लिए। सो मिरर्स के केस में आपके यही आठ डायग्राम थे।